कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। गणेशोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जगह जगह गणेशोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। कृष्णा कॉलोनी में गणेश पंडाल में छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनोहरी प्रस्तुतियां दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हर गली में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। शाम होते ही गणेश पंडालों में भक्तों की भीड़ लग जाती है तथा ढोल नगाड़ों के बीच भगवान गणेश जी की आरती और भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। शहर के कृष्णा नगर कॉलोनी में गणेश जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है। श्री कृष्णा नगर गणेशोत्सव समिति के छोटे बच्चों के द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। रोज अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए उनके पालक भी तैयारी में जुटे हुए हैं। रायपुर के रामसागर पारा में गजानन गणेशोत्सव समिति द्वारा पिछले 75 वर्षों से झांकी सजाई जा रही है। इस साल समिति ने झांकी में संपूर्ण महाभारत कथा प्रस्तुत की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामसागर पारा में गजानन गणेशोत्सव समिति द्वारा स्थल सजावट के साथ संपूर्ण महाभारत कथा की झांकी बनाई गई है। समिति का गणेशोत्सव स्थापना का इस बार 75वां वर्ष है। समिति के सदस्यों के मुताबिक कई पीढ़ियों से उनके बुजुर्ग यहां सार्वजनिक रूप से गणेश स्थापना करते आ रहे हैं। पंडाल में रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। शहर भर में यह झांकी चर्चा का केंद्र बन गई है। रतलाम में भी 10 दिवसीय गणेशोत्सव अपनी चरम सीमा पर है। हर तरफ गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। 500 से अधिक जगह गणेश जी की स्थापना की गई है। रतलाम में 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं नानी बाई का मायरा संगीतमय वाचन किया जा रहा है तो कहीं भजन संध्या। शहर में 500 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से गणेश स्थापना की गई है। जगह जगह धार्मिक परंपरा के अनुसार गणेश जी की आरती की जा रही है। पंडालों में आरती के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे नेता भी आम जनता के बीच धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर जनता के बीच अपनी छवि बना रहे हैं। पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और दर्शन लाभ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी उठाया जा रहा है। भगवान गणेश को विघ्न विनाशक और बुद्धि के देवता कहा जाता है। आज हम आपको भगवान गणेश के 12 नामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जाप रोजाना करने से आपके सारे दुख दूर होंगे। गणेश जी के 12 नामों के जाप का उल्लेख नारद पुराण में किया गया है। इस पुराण के मुताबिक गणेश जी के इन नामों को रोज जप करने से विद्यार्थी को विद्या मिलती है। धन की कामना करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। संतान की कामना करने वाले को सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के समय तो इन 12 नामों का पाठ जरूर करना चाहिए। ये पूरे 12 नाम एक श्लोक में भी सम्मिलित हैं जिसके मुताबिक इन 12 नामों को विद्याराम काल में, विवाह काल में, प्रवेश काल में, निर्गम काल में, संग्राम के समय और संकट के समय जो पढ़े अथवा सुने उन्हें कोई विघ्न नहीं होता है। हम आपको बता रहे हैं इन्हीं 12 नामों और उनके अर्थ के बारे में। प्रणम्य सिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणित्य मायाव कामार्थ सिद्धे प्रथम वक्र तुंडम च एकदंत्यम दीप्तिकम तृतीयम कृष्ण पिंडाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकट मेघ च सप्तम विघ्न राजम धूम्रवर्णम तथाष्टमम
नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम् एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम् द्वादशीतानि नामानि त्रिसंध्या पठिनरा नाचा भिग्न वयम् तस्य सर्व सिद्धि करम प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभेत गप्यम् जपेत गणपति स्त्रोतम् षड्विर्मासि फलम् लभेत संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वागणैश्च प्रसादतः। गणेश जी का पहला नाम है सुमुख यानी सुंदर मुख वाले। गणेश जी का दूसरा नाम है एक दंत यानी एक दंत वाले। गणेश जी का तीसरा नाम है कपिल यानी कपिल वर्ण वाले। गणेश जी का चौथा नाम है गजकर्ण यानी हाथी जैसे कान वाले। गणेश जी का पांचवा नाम है लंबोदर यानी बड़े उदर वाले। गणेश जी का छठवा नाम है विकट यानी विपत्तियों का नाश करने वाले। गणेश जी का सातवा नाम है विनायक यानी न्याय करने वाले। गणेश जी का आठवां नाम है धूमकेतु। गणेश जी का आठवां नाम है धूम्रकेतु यानी धुएं के समान पताका वाले। गणेश जी का नौवां नाम है गणाध्यक्ष यानी समस्त गणों के अध्यक्ष। गणेश जी का दसवां नाम है भालचंद्र यानी मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले। गणेश जी का ग्यारहवां नाम है गजानन यानी गज के समान मुख वाले। गणेश जी का बारहवां नाम है विघ्न नाशन यानी सभी दुखों और कष्टों को हरने वाले। वैसे तो गणेश जी के 108 से भी अधिक नाम हैं, लेकिन इन 12 नामों का सबसे ज्यादा महत्व है। तो यदि आप भी रोज इस मंत्र के जरिए गणेश जी के 12 नामों का जप करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। गणेश उत्सव में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।